हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे MCS 011 का जून 2023 का सॉल्यूशन, ठीक है। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का सारा और 2 का ई नंबर बना के डाल दिया है, और अभी हम लोग देखेंगे 2 का बी नंबर, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वाला PDF चाहिए, ठीक है, इसमें मैंने सारा सॉल्यूशन बना के दे दिया है। ये PDF के फॉर्म में है, मैं अभी आप लोग को जो पढ़ा रहा हूँ ये वही है सब, ठीक है। बस ये PDF के फॉर्म में है, तो अगर आप लोग को ये वाला PDF चाहिए होगा तो आप लोग मेरे को इंस्टा पे मैसेज कीजिएगा, ठीक है। मेरे इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आइए और मुझे मैसेज करके बता दीजिए कि MCS 011 का जून 2023 का सॉल्यूशन वाला PDF चाहिए, ठीक है। ये PDF फ्री नहीं है, ये पेड होगा, तो आपको इसको परचेज़ करना पड़ेगा। तो मैं वहीं पे बता दूंगा आपको कैसे पेमेंट करना है, आप पे करोगे और मैं वाला PDF आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, ब्रीफली एक्सप्लेन टू कैटेगरीज ऑफ कॉन्स्टेंट्स इन सी, ठीक है। तो ये एक थ्योरी टाइप का है, इसको याद करके लिखने वाला है। इतना देर से जितना भी था सारा प्रोग्राम था, कोड था, जनरली ज़्यादा कोड ही आते हैं इसमें और ज़्यादा हार्ड भी नहीं रहते, मैंने अभी तक सारा बता दिया, आप देख लीजिएगा अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पर आए हो तो, ठीक है। तो देखिए, दो कैटेगरी होता है ना कांस्टेंट में, सी में, एक होता है प्राइमरी कांस्टेंट और दूसरा होता है सेकेंडरी कांस्टेंट, ठीक है। तो मैंने इस प्राइमरी कांस्टेंट का भी दो देख बता दिया है और सेकेंडरी कांस्टेंट का भी दो बता दिया है, ठीक है। तो प्राइमरी कांस्टेंट में दो कांस्टेंट होते हैं, पहला होता है इंटीजर कांस्टेंट्स, ठीक है। तो क्या होता है ये इंटीजर कांस्टेंट, These are whole numbers without a decimal points. They can be represented in decimal, comma, octal, etc. ठीक है। तो integer constants मतलब क्या, constant value मतलब क्या, जिसका value वो change ना होता हो, ठीक है, वो constant रहता हो। तो इसलिए हो, देखिए पहला होता है primary constant जिसमें आता है integer constant। Integer मतलब समझे आप, integer मतलब क्या, कोई value number है ना, तो बस वही है। These are whole numbers without a decimal point, ठीक है। तो इंटीजर कांस्टेंट में क्या होता है, ये जैसे 42, ये एक नंबर है 42, है ना। और 42 अगर हम लोग कहीं किसी को बोले ये तुम 42 हो, तो वो 42 ही हो सकता है ना, कांस्टेंट है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि 42 को हम लोग कुछ और भी बोल सकते हैं, नहीं ना, 42 को तो 42 ही बोलेंगे। और ये देखिए जैसे 052 को भी हम लोग 052 ही बोलेंगे, इसको और कुछ और तो नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो यही हो गया इंटीजर कांस्टेंट्स। कांस्टेंट का ही मतलब होता है कि वो वैल्यू चेंज ना होता हो, ठीक है। और इसी प्राइमरी कांस्टेंट में एक और आता है फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, और भी बहुत सारे तरह के होते हैं, मैं दो बताया हूँ, ठीक है, आप देख सकते हो। अगर आपको अगर पूरा ये देखना है तो नेट पे मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे एक और है फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स। तो ये क्या होता है, दीज आर रियल नंबर्स विथ अ डेसीमल पॉइंट, ठीक है। देखिए इंटीजर पॉइंट कांस्टेंट में क्या था, विदाउट अ डेसीमल पॉइंट, ये भी होल नंबर होता है कोई नंबर, लेकिन इसमें डेसीमल पॉइंट नहीं होता है। और यही फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट में क्या होता है, ये रियल नंबर होता है विथ अ डेसिमल पॉइंट, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर 3.14, ठीक है, तो ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू हुआ ना 3.14। अब ये 3.14 है तो इसको 3.14 बोलेंगे, यानी ये कांस्टेंट वैल्यू हुआ और इसमें डेसिमल है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। और इसी तरह से इंटीजर में होता है सिर्फ नॉर्मल कोई वैल्यू, मतलब कोई नंबर, ठीक है, विदाउट डेसिमल पॉइंट। सिंपल दो था, मैंने बहुत ही सिंपल वे में इसका डेफिनेशन भी लिखा है, एग्जांपल भी दे दिया। इसी तरह फ्लोटिंग पॉइंट का भी इतना लिखेगा काफ़ी है, ठीक है, 4 मार्क्स का है, बहुत है आप, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का टू कैटेगरीज में, तो पहला हो गया प्राइमरी। अब होता है सेकेंडरी कांस्टेंट। तो सेकेंडरी कांस्टेंट में क्या होता है, देखिए पहला इनम कांस्टेंट, ठीक है, ये इनम एक नाम मतलब कांस्टेंट होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। दीज आर यूज़र डिफाइंड सिम्बॉलिक नेम्स फॉर इंटीजर वैल्यू, ठीक है। इनम, ई एन यू एम, अलाउज यू टू क्रिएट अ सेट ऑफ रिलेटेड इंटीजर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो ये क्या होता है ना, यूज़र डिफाइंड होता है सिम्बॉलिक नेम्स। ये सब क्या है, ये सब तो देखिए कॉन्स्टेंट है, ये 42 तो 42 ही है, इसको यूज़र नहीं डिफाइंड कर रहा है, ये इंटीजर कॉन्स्टेंट है। अगर हम लोग दे दिए तो ये प्राइमरी है, 42 दे दिए तो 42 है, लेकिन इनम जो कांस्टेंट होता है ना, ये सब सेकेंडरी वाले में, इसमें यूज़र डिफाइंड होता है, ठीक है, ये यूज़र हम लोग देते हैं अपने हिसाब से। तो जैसे इसमें फॉर एग्जांपल देखिए, एग्जांपल इनम कलर्स नाम का मैंने एक क्या बनाया है, एरे बोल सकते हैं उसको, मैंने कलर्स नाम का एरे बनाया है जिसमें मैंने 3 कलर दे दिया है, रेड, ब्लू और ग्रीन, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या हुआ पता है, ये जो कलर्स है ना, इसके पहले इंडेक्स पे है रेड, दूसरे पे है ब्लू और तीसरे पे है ग्रीन। तो अगर हम लोग इसको एक्सेस करना चाहें ना इन हम कलर्स के, तो कलर्स डॉट अगर हम लोग ज़ीरो करेंगे ना तो इससे हम लोग को क्या मिल जाएगा, रेड का वैल्यू। फिर कलर्स वन कर देंगे तो उससे हम लोग को ब्लू का वैल्यू मिल जाएगा, और कलर्स थ्री कर देंगे, टू कर देंगे तो ग्रीन का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए बोला ये यूज़र डिफाइंड है। हम लोग इसकी जगह पे कुछ और भी ले सकते हैं ना, कलर्स की जगह पे हम लोग डेज ले सकते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। देखिए इस सब का यूज़ क्यों किया जाता है पता है, कोड को आसान करने के लिए। हम लोग अगर इसको पहले यूज़ कर देंगे और फिर लास्ट में हम लोग को मान लीजिए डेज के लिए यूज़ करना है, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे डेज फाइव, तो हम लोग का आ जाएगा क्या थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ऐसे करके। ठीक है, तो ये सब कोड को ईजी करने के लिए होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसका मैंने लिख दिया था यूज़र डिफाइंड सिम्बॉलिक नेम्स फॉर इंटीजर वैल्यू। ठीक है, सिम्बॉलिक नेम, ये सिम्बॉलिक नेम है इंटीजर वैल्यू के लिए, यानी जीरो के लिए हम लोग का सिम्बॉलिक नेम क्या है, रेड, वन के लिए क्या है, ब्लू, और टू के लिए क्या है, ग्रीन। तो वही है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम लोग कुछ और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। आप लोग डेज का लिख सकते थे, तो जीरो के लिए क्या हो जाता, मंडे कर देते आप, वन के लिए करता ट्यूज़डे, टू के लिए हो जाता ये वेडनेसडे, इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया एक कांस्टेंट, सेकेंडरी कांस्टेंट का। एक और बता देता हूँ, ये होता है मैक्रो कांस्टेंट्स। ठीक है, ये मैक्रो काफ़ी अच्छा है, और आपके एग्ज़ाम में भी कभी कभी पूछता है मैक्रो के बारे में, बहुत सिंपल सा चीज़ है। देखिए ये भी क्या होता है ना, मैक्रो का भी यूज़ किया जाता है कोड को ईजी बनाने के लिए। ठीक है, तो मैक्रो कांस्टेंट्स, दीज आर डिफाइंड यूजिंग द हैज़ डिफाइंड। ठीक है, इससे हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, मतलब मैक्रो को लगाने से पहले हम लोग इसका यूज़ करते हैं, डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एंड आर रिप्लेस्ड विथ देयर वैल्यूज़ डूरिंग प्री प्रोसेसिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए इसका क्या होता है, हम लोग मैक्रो का यूज़ करते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल के लिए ये डिफाइन किए पी आई पाई। ठीक है, इस ये 3.1514159। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ ना, हम लोग नेक्स्ट में जब जहाँ पे भी अगर मान लीजिए कोड करते हैं, और हम लोग लास्ट में अगर मान लीजिए प्रिंट अप करते हैं पाई, ठीक है, ऐसे करके पाई का वैल्यू को, तो यहाँ पे इस पाई की जगह पे क्या आएगा पता है, ये वैल्यू। ठीक है, वही मतलब देखिए कितना कोड को ईजी कर देगा, हम लोग डायरेक्ट बार बार हम लोग को मान लीजिए किसी चीज़ में बार बार हम लोग को कोई वैल्यू को देना है, तो हम लोग एक ही बार उसको मैक्रो का यूज़ करके उसका वैल्यू को हम लोग यहाँ पे असाइन कर देंगे, और बस आगे हम लोग पूरा कोड में उसको यूज़ करते रहेंगे। तो वही देखें लिखे, दीज आर डिफाइंड यूजिंग द डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से हम लोग उसको डिफाइन करते हैं, एंड आर रिप्लेस विथ देयर वैल्यूज़ डूरिंग प्री प्रोसेसिंग। फिर देखिए क्या करता है, रिप्लेस कर देता है उसका वैल्यू को प्रोसेसिंग के वक्त। ठीक है, यानी कि प्री प्रोसेसिंग के वक्त, यानी कि जब भी हम लोग का ये कोड आएगा तो इस पाई की जगह पे डायरेक्ट ये वैल्यू आ जाएगा आपका। मैंने ये जो बताया था आप लोगों को कि प्लेलिस्ट को वॉच करना है, कि दिसंबर 2022 या जून 2022 में एक क्वेश्चन आया था मैक्रो से रिलेटेड, उसमें हम लोग को कोई वैल्यू दे दिया था ऐसे 2x+3 ऐसा करके कुछ था। ठीक है, और बोला था कि मैक्रो का यूज़ करके इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो काफ़ी ईजी से हो गया था, हम लोग मैक्रो बनाए थे, आप देख सकते हो, मतलब वीडियो जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया मैक्रो का कॉन्स्टेंट ये। तो बस यही था हम लोग का, दो कैटेगरी बताया, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया। प्राइमरी में इंटीजर कॉन्स्टेंट, फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट, सेकेंडरी में इनम कॉन्स्टेंट और मैक्रो कॉन्स्टेंट। ठीक है, इतना आप लिखोगे मोर देन इनफ होगा। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।